हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट टू हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। एक चीज डिस्कशन कर दे रहे हैं, क्या आर आर क्या है? रेट। ठीक है, रेट से ही सारा मैथ हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर रेट दिया हुआ 15%, इससे ही लेकर चल रहे हैं। ये 15% दिया हुआ फ्रेंड्स, तो 15 का क्या करेंगे, 100% का प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये 3 बाई कितना आ गया, 20 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, CI हो गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल आ गया। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है थे फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहा है, देखिए हमेशा याद रखना है, ऊपर वाला CI, नीचे वाला प्रिंसिपल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है यहाँ, 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया, 3225 रुपये। तो मूल राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता है, तो वो राशि क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। और जब इसको 20/3 आया है, ये दोनों को ऐड किया तो मूलधन आ गया। ठीक है, 20 ये पहला वर्ष का, ये सेकंड वर्ष का, तो सेकंड वर्ष 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो 2 वर्ष के दे, जब भी 2 वर्ष का देगा तो इस तरह से निकाल लेना है। ये 400 हुआ। ठीक है, 23 23 कितना हो गया, 529 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसको आप माइनस कीजिएगा तो 129 हो गया। माइनस क्यों किया है, ये मेरा ए अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में से अमाउंट गया, प्रिंसिपल में से अमाउंट गया तो क्या आया, मेरा मिश्रधन आया। ठीक है, प्रिंसिपल में से मेरा अमाउंट गया तो क्या आया, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आया, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज आया, यानी अमाउंट में से मिश्रधन, ये अमाउंट में से मूलधन गया, यानी प्रिंसिपल गया तो मेरा क्या आया, सी आया। ओके, 129। एक्चुअली में कितना दिया हुआ मेरा, 3225 रुपया, कितना गुना, 25 गुना। ठीक है, आप गुना कीजिएगा 25 से तो 3225 आएगा। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअल मेरा बोल रहा है कि मूल राशि पूछ रहा है ना, मूल राशि निकालने के लिए। 400 को आप 25 से गुना कीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 से को 100, ये 00, यानी 10,000 मेरा आंसर आया है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी 10,000 मेरा आंसर आया। चलिए अब सेकंड फ्रेंड्स निकालते हैं। ये तीसरा नंबर था, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए, 2 वर्ष के बाद 8 प्रतिवर्ष 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धन राशि 729 00 है, रुपये है। तो मूलधन क्या था, मूलधन पूछ रहा है, यानी ए कितना दिया हुआ आपका। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है, 8% पर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब क्या करें, रेट के लेके चलिए, ये 8/100 हो गया, ये 4 के टेबल से काटिए आप, 2 25। ठीक है, ये दोनों का ऐड किए तो क्या हो गया, 27, ये 25। अब 2 वर्ष के लिए तो क्या बोले, पहला वर्ष आई सेकेंड वर्ष, 25 यहाँ 27 लिखिए, यहाँ ही 25 यहाँ 27 लिखिए, 25 25 625 हुआ, गुना कीजिएगा तो 27 27 729 हुआ। ठीक है, पर मिश्रण मेरा कितना दिया हुआ है, 729, ये मेरा मिश्रण इसमें क्या है, ये 729 है। अगर 729 को गुना कीजिएगा 100 टाइम्स में तो मेरा कितना आ जाएगा, 100 बार आप गुना कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में मेरा मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है निकालने के लिए ना, मूलधन क्या है, तो मूलधन मेरा एक्चुअली में क्या है, 625 है। 625 में 100 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 62,500 आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, यानी 62,500 मेरा आंसर हो गया, 62,500 ये चौथा आंसर। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा होगा। अब पंचवा नंबर देखते हैं। देखिए, वार्षिक आधार पर संयोजित 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया हो जाता है, तो समान राशि या समान समय पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया हुआ, CI आपका दिया हुआ कितना,
205 रुपया। ओके, कितना प्रतिशत पर दिया हुआ है? 5% पर। कितना प्रतिशत पर? 5% पर। ओके फ्रेंड्स, तो 5% को ही हम अगर हम ब्रेक करेंगे तो 5/100 हो गया, 5 के टेबल से हम ब्रेक करेंगे तो 1/20, 1/12, 12 हो गया। पर हमको क्या करना है, अमाउंट और मिश्र अमाउंट निकालना है, तो इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा यानी 20, और इसको ऐड किए तो 21, ये पी हो गया और ये ए हो गया। ओके फ्रेंड्स, कर कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। यहाँ कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष का हो गया, ये सेकंड वर्ष का हो गया। ओके, तो एक वर्ष का ये हो गया, सेकंड वर्ष का ये, यानी टोटल ये 400 हो गया। ये कितना हो गया? 441। ठीक है, तो ये कितना गुना है? 41। एक्चुअल में सी आई मेरा आ गया घटाने पर, 441 से 400 गया था, सी आई आ गया। सी आई पर एक्चुअल में सी आई मेरा कितना है? 205 है। कितना गुना है? 5 गुना, यानी 41 5 कितना हुआ? 205 हुआ। ठीक है, यानी कितना निकल गया? 5। तो मेरा मूलधन कितना निकल गया? मूलधन एक्चुअल में 400 है, यानी 5 से गुना की जगह 4 5 20 हजार, यानी पी मेरा कितना निकल गया? 20 हजार। ओके, बी मेरा पी कितना निकल गया? 20 हजार। पर पूछ रहा है समान समय या समान दर पर, यानी इसी समय पर ऐसी दर पर वो साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी मूलधन मेरा कितना निकल गया? 20 हजार। ठीक है, 20 हजार निकल आया। पी मेरा कितना निकल आया? 20 हजार। ठीक है, अब क्या है, मेरा 5% आर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। ठीक है, तब क्या करें हम, क्या साधारण ब्याज के मेरा क्लास देखिएगा फ्रेंड्स, तो हमेशा आर और टी को क्या करते हैं, आर यानी रेट और टाइम को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कितना हो गया? 5 और 2 कितना हो गया? 10%। 10 को ही आगे ब्रेक करेंगे तो 10/100 हो गया, ये 10/11 तो 10 हो गया, पर अभी 11/10 नहीं करेंगे, 1/10 करेंगे। ओके, पर एक्चुअली में मेरा कितना दिया हुआ है? एक्चुअली में मेरा कितना दिया हुआ है? 10%, 5 × 10 हो गया, 10% 10, वो 1/10 हो गया। एक्चुअली में 20, एक्चुअली में मेरा कितना दिया हुआ है मूलधन? मूलधन कितना दिया हुआ है? 20 हजार। अगर 10/100 को लेकर चलते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा ही हो गया, ऊपर वाला मेरा क्या हो गया? ऐसा ही, नीचे वाला क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा ही लेकर चलते हैं, तो 2 वर्ष के लिए 205 रुपया, 2 41 5 41 5 20 हजार रुपया आएगा। 20 मूलधन कितना है? 41 से 400, 400 × 5, सॉरी फ्रेंड, 2000 होगा। ओके, 2000 होगा, यानी प्री मेरा कितना आया? 2000 आया था। ओके फ्रेंड्स, ऊपर वाला मेरा क्या हो गया? ऐसा ही हो गया, ऊपर वाला मेरा ऐसा ही हो गया। आप अगर साधारण ब्याज की क्लास देखिएगा तो ऊपर वाला मेरा ऐसा ही हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये जीरो कट गया, तो मेरा क्या आएगा? 1/10 आया। ऊपर वाला क्या हो गया? ऐसा ही हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? पी हो गया। एक्चुअली में मेरा पी कितना दिया हुआ है? एक्चुअली में मेरा पी कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। ठीक है, कितना गुना दिया हुआ है? 200 गुना दिया हुआ है। कितना गुना दिया हुआ है? 200 गुना दिया हुआ है। ठीक है, 10 में 200 गुना कीजिएगा तो 2000 हो जाएगा, पर मेरा ऐसा ही कितना है? 1। तो 1 में कितना गुना कीजिएगा कि मेरा साधारण ब्याज निकल जाए? तो 1 में 200 गुना कीजिएगा तो मेरा 200, यानी ऐसा ही मेरा कितना हो गया? साधारण ब्याज 200 रुपये। ओके फ्रेंड्स, यानी 200 रुपया मेरा आंसर हुआ। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।